चश्मा पहले लगेगा है, पंचर गाड़ी है, टायर टायर निकाले चश्मा सर। अरे हेलो, मोस्ट अवेटेड ट्रिप बिगिंस। बाल का बाला की गाड़ी हमसे आगे कैसे निकल रही है? ये क्या आ रहा है? अरे यार डिस्टर्ब कर रहा है व्यू। तो अभी हम लोग रुक गए हैं फर्स्ट टोल पे, पीछे हमारे टोल है, थोड़ा बहुत खाना पीना चल रहा है और हमारे फ्रेश अप होने के लिए रुके थे। और यहाँ है अपनी सारी जनता, ये हमारी भाभी है रजत की वाइफ, जिनका शादी के ब्लॉग्स डाले थे, और ये इनके फ्रेंड्स हैं, और ये कौन है, तू कौन है? हेलो व्हाट्सअप। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं जो कि है कनाडल बाय रोड न्यू टेरी। हाँ हमारा स्टे न्यू टेरी में है, देखिए हम जा कनाडल रहे हैं, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। निकले हुए हैं, सिर्फ एक घंटा हुआ है और यहाँ हमारा खाना चालू हो गया है। यार आलू पराठे कितने अच्छे बनाए हैं, चाची ने बनाया है। मतलब मुझे बिल्कुल भी मिर्च नहीं है। अच्छा साथ में कुछ है क्या? अचार है, दिया मैंने उसके अंदर, उसके बीच में रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने अचार रखा है। मुझे तो मेरा पराठा दे, अचार मत डालना। तू खाएगा कैसे? ये लो अचार डाल दिया मैंने। अरे यार क्यों डाल, हटा दूं फिर? प्लेन चाहिए आपको? पूरा खाओ, टोल थ्री एंड हियर वी गो। और हमारे मेन्यू में है आज पूरी, मटर पुलाव, आलू पराठा खा लिया, आलू हाँ वो दिखा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हमारा सेकंड डिनर है, सेकंड डिनर। यहाँ ये मेट्रो से रेस लगा रहा है। मेट्रो निकल गई बेटा तुझसे आगे। हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली, अब यहाँ से हम करेंगे अपनी गाड़ी को बाय बाय और लेंगे जूम का, फिर जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। वहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं भैया से, जूम कार वाले भैया से, वो हैंड ओवर करेंगे इनको कार और फिर हम अब इससे जाएंगे कनाडा। यहाँ पे हम लोग अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं, 12 बज रहे हैं अभी, और अभी हम लोग आए हैं गॉड सिटी जहाँ पे हमें अपनी कार पार्क करनी थी। तो हम लोग पीने लगे थे शेक एंड ऑल, जैसी पुलिस आई यहाँ पूरा सन्नाटा छा गया, जैसे कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। थर्ड मील ऑफ द डिनर, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम आ गए हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी गंगा स्नान करने। नहाएगा तू तो नहा नहीं सकता, ये लोग नहा नहीं सकते क्योंकि इन दोनों की भी शादी हुई है, एक साल तक ये लोग गंगा छू नहीं सकते, लेकिन वाणी और मैं नहा सकते हैं। हमने सोचा ये था कि हम 4 बजे पहुंच जाएंगे यहाँ पे, तो मेरी इमेजिनेशन थी कि हम अंधेरे में आएंगे, कोई होगा नहीं, एकदम शांति वाला माहौल होगा,
और मस्त बैठेंगे यहाँ पे, लेकिन उल्टा ही हो गया। हम पहुँचे 5 बजे और यहाँ के देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि देख के ही ऐसा लगा अरे, मतलब जैसे सोचा था बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया। तो अब देखते हैं, भाव तो तेज है। देखो हाथ तो डाल के देख ठंडा है कि नहीं, कुछ तो करो। ठंडा होगा यार, अभी पानी भरेंगे तब देखेंगे। वो अंकल नहा रहे हैं, जूम नहीं कर रहा अंकल पे, चेक जाएंगे। वहाँ देखो कितनी भीड़ है, क्योंकि ये आरती का टाइम है, हद से ज़्यादा वाली भीड़ है। बस इधर मैं इसके आगे मत जाऊँ भाई, मत जा अब। ओ भाई ज्यादा ज्यादा जोश में नहीं, बताओ 30 लाख रुपए वही BMW GS12 थे जो आपको चाहिए थी? नहीं ये नहीं, ये तो 30 लाख वाले भाई, ये लेकिन नॉर्मल रोड भाई, ये अजीब रोड है, अच्छी रोड नहीं है, पहाड़ों पे तो कुछ इतनी बढ़िया रोड होती है। यहाँ पे अगर बारिश हो जाती ना तो गाड़ी भी चढ़ती ऊपर, टूरिस्ट प्लेस नहीं है ना अभी, ये टूरिस्ट प्लेस होगा तब डेवलप यहाँ रोड पे फंसे हुए हैं। हम बस ऐसे ही उतरे थे तो हमें पता चला हमारी गाड़ी की में पंचर हो गया है, इसमें आवाज भी आ रही थी जोर से। ये यहाँ पर है कि अबे यहाँ पर ये कैन है, ये रोड्स है। बर्ड की कितनी क्लियर आवाज आ रही है ना, बर्ड की आवाज जब हवा की आवाज ही आ रही है, हवा की तो उतरते ही आ गई थी। चश्मा पहले लगेगा है, पंचर गाड़ी है, टायर टायर निकाले, चश्मा जरूर। अरे तो गड़बड़ हो गई, वो तो हमने ऐसे रैंडमली चेक कर लिया, वाणी को ना उल्टी आती ना हम उतरते। अरे यार
बंद करो देख के तो हाथ पीछे करो मरना नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं बिल्कुल थोड़ा दूर जाके अगर सेट कर देता हूँ भाई जी कितना टाइम और लगेगा देख रहे हो कितना मॉडर्न पंचर वाला है चश्मा लगा के बंद देख लिया ना पंचर ही सही कर दिया क्या नहीं टायर जी नहीं कर कर रहे हैं नाइस गुड जॉब नहीं चेंज कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं अभी निकला नहीं है ये तो बहुत ज्यादा हो गया है हवा निकल गई ना हवा निकल गई भाई अच्छा रहा मैं रुक गई देखा इशारा भगवान जी का बता रहे थे वो दुनिया जा रही है पूरा मसूरी ऋषिकेश सारे लोग वहां जा रहे हैं इतना ट्रैफिक मिला हमें रास्ते में लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वो एक ऐसी जगह है जो काफी लोग नहीं जानते हैं अभी लोगों की नज़र में आई नहीं है तो हम ऐसी जगह जा रहे हैं कनातल तो इसलिए हमें यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं मिल रहा बिल्कुल रोड्स खाली हैं सब कुछ खाली खाली सब मिल रहा है तो हम एकदम चिल वाले मूड में जा रहे हैं चिल करने के लिए तो जैसे ही पंचर ठीक होता है फिर हम पहुँचेंगे वहाँ पे और फिर वहाँ की प्रॉपर्टी दिखाएंगे चलो ये बोल्स तो डीलर नहीं करने पड़ेंगे ये रिसर्च ना वहां पे जाके कर लेना ऐसा लग रहा है बोल डीलर ही निकलता है और क्या ऑब्वियस सी बात है चलो बाहर में जाते हैं निकाल क्या रहे थे पता नहीं कुछ देखना चाह रहे होंगे कुछ क्या हमें एक क्या से हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे अपने प्रॉपर्टी पे वो रही वहां जाना है हमको जहां जाने के लिए हमें पहले यहां से ट्रैक करना पड़ेगा तो अभी होटल वाले भैया से बात हुई है तो वो भी आएंगे आ रहे हैं पीछे पीछे अच्छा मेरी वाली कोई वाटर बॉटल लेके आया है नहीं पता नहीं मुझे ये है हमारी प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी है हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं खोल के थोड़ा छोड़ेंगे तुम्हारे लिए ऑब्वियसली ये कॉटेजेस हैं लोकल्स हैं यहाँ के अभी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है अभी तो हमने भी पूरी नहीं देखी है अभी धीरे धीरे देखेंगे और एक्टिविटीज भी है यहीं पे वो भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे साथ में हमें मिली है वेलकम ड्रिंक जो बहुत ही रिफ्रेशिंग है दिस इज आवर रूम कुछ ऐसी सी वाइब्स हैं यहाँ की इधर है वॉशरूम वॉशरूम भी बहुत काफ़ी मतलब अच्छा है स्पेशियस है अभी कोई है बाद में दिखाती हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं पूल पार्टी करने के लिए तो सीधे आके हम ब्रेकफास्ट करके सीधे हम पूल में जाएंगे और थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अभी सब जल्दी जल्दी थोड़े से फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके हम जाएंगे पूल के अंदर और फिर शाम का हमारा अलग ही प्लान है तो दिखाते जाएंगे ब्लॉग में सो स्टे ट्यून्ड तो अच्छा नहीं लग रहा मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है क्या भैया यहाँ पे साफ वाफ नहीं होते